बैक आज की वीडियो है शॉपसी होम डेकोर हॉल और होम डेकोर आइडियाज। तो मैंने शॉपसी से कुछ होम डेकोर आइटम्स खरीदी है जिनका मैं आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। शॉपसी फ्लिपकार्ट की सब कैटेगरी है, सब ऐप है जहाँ पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं जहाँ पर 5 रुपए में एंड इट इज शॉर्ट इनफ के लाइक मीशो को बेटा टक्कर देने वाला है। बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दो। कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो बनाऊँ और लेके आऊँ आप सबके लिए। मैं ऑल्टरनेट डेज पर वीडियो बनाती रहती हूँ। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद दिस शॉपसी। ये रहा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट और आप सोच रहे होंगे फ्लिपकार्ट की यहाँ पर पैकेजिंग हो रखी है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट का ही सब ऐप है तो दैट्स व्हाई द पैकेजिंग इज लाइक दिस। तो ये है, क्या है बताती हूँ मैं, रुको पहले से खो लेते हैं। और यार ये सारा ये बाहर निकल रहा है, अब घेर के फट ना जाए मेरे से। बस ऑर्डर किया था जस्ट यू कैन सी, और ये 4 फीट बताया था उन्होंने, प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। पहले बता दें 4 फीट का तो नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक टेडी बेयर है 4 फीट का, तो वो 4 फीट का तो नहीं है प्रूव हुआ। ये है खींच के 2.5 या फिर 3 फीट का है, दैट्स इट। और क्वालिटी की बात करें तो फर इसके बहुत अच्छे हैं, इट्स सो कुशनी, सो क्यूट। और पीछे से भी पूरी जिप मिल रही है यहाँ पर, ठीक है जिप मिल रही है, जिप की क्वालिटी हाँ अच्छी है, जिप की क्वालिटी अच्छी है। और ये जो फर है ना, मटेरियल है ये यूज़ किया गया है टेडी बेयर के लिए, काफ़ी अच्छा है, इट्स नाइस। अप्रिएट 4 फीट का था तो वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ा था, उसकी क्वालिटी नो डाउट पैसे के अकॉर्डिंग सही मिली है। आजकल टेडी बेयर भी एज अ डेकोर पीस ही यूज़ होता है, आप लिविंग एरिया में अपने रख सकते हो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट सा एलिमेंट ऐड इन कर सकते हैं। क्योंकि गर्ल लाइक मी तो अपने घर पर टेडी बेयर रखना बहुत ही पसंद करूँगी। और दूसरी चीज जो मैंने बाय की है दैट इज दिस बांस, और ये पूरा वुड का बना हुआ है बांस, तो बांस की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। मैंने इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 250 या 300 रुपये पे किया है, उसके अकॉर्डिंग आई मस्ट से टू गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो पेंट हो रखा है इसके ऊपर इट इज सो गुड एंड शेप भी काफ़ी अच्छी है, ये लिविंग एरिया में अच्छा रहेगा या फिर जहाँ भी आप अपने बेड के पास रखना चाहते हो जहाँ पर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिव आइडिया, योर क्रिएटिव थॉट्स के आपको कहाँ पर रखना है। वाइट वुड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, पूरा प्रॉपर एक वुड का बना हुआ है, सो इट इज अ नाइस परचेज अगेन। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ड्रीम कैचर, मुझे ड्रीम कैचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये मुझे पड़ा था 99 रुपीज़ में, जस्ट 99 रुपीज़ में, तो 99 प्राइस देख के मैं पहले बड़ी खुश होगी। एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ स्टार और ये पूरा आपको कलरफुल मिल जाएगा, आप देख सकते हो पूरा ये कलरफुल है, फेदर्स भी कलरफुल है और यहाँ पर बीड्स लगे हुए, पर्ल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरा प्रॉपर ये वेब सा क्रिएट हो रखा है एंड ये पूरा सिल्क थ्रेड का बना हुआ है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू 99 rupees it is worth having. And next is this cushion set, or of course मतलब घर के लिए कुशन सेट मैं ना खरीदूँ दैट्स नॉट पॉसिबल, तो मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला था कुशन सेट जरूर बाय करना इस हॉल के लिए। सो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुए हैं, आई वॉज टोटली स्केयर्ड कि इतना पतले हैं, सो ये मुझे इस तरीके की पैकेजिंग में मिले, पूरे रोल होके मिले हैं। अच्छा मैं डर गई थी यार, इतने छोटे छोटे से आप देख सकते हो ये, मैंने कहा यार ये कहाँ डालूंगी, कौन से क्वेश्चन में डालूंगी। ओके सो हेयर इट इज, नाइस क्वालिटी यार, प्राइस देख लो मतलब उसके अकॉर्डिंग तो फिलहाल मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। सेम जैसे मैंने टेडी बेयर का वो जो फर था ना, सेम वैसा ही फर है, आप देख सकते हो विच इज ऑल्सो इन द बेज कलर, और ये पूरा फरी फरी मटेरियल मिल रहा है, अंदर कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं लगी है, बिल्कुल प्रॉपर यही फेदर वाला मटेरियल है, अंदर लाइनिंग वाइनिंग नहीं लगी है। तो मुझे ऐसे थोड़ी वाइब आ रही है कि ये ख़राब हो सकता है, अगर कोई ज़िद्दी बच्चा आ गया घर पर और वो आपके कुशन के साथ खेलना शुरू हो गया तो ये फट सकता है, इसको थोड़ा सा बाल के ही रखना पड़ेगा। बाकी जिप की क्वालिटी की बात करें, इट्स नॉट दैट गुड, ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट गुड, ओके ओके टाइप से, ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा छेड़खानी ना हो तो उसके लिहाज से ठीक है। बाय द वे मुझे ये 5 का सेट मिला है,
दिस इज सो ये रहा पहले वाला क्वेश्चन सेट. पहले वाला सीधे बोल रही हूँ, मैंने दूसरा भी बाय किया था, वो मुझे पड़ा है 199 रुपीज़ में, कैन यू इमेजिन. तो ये थे वो क्वेश्चन का, बाय द वे क्वेश्चन में डाल दिए हुए हैं, तो ये पूरा एल्बम प्रिंट में मिल जाएंगे पूरे. आपको बता दूँ 5 का सेट मिला था और ये पूरा यू नो खादी के मटेरियल से बना हुआ है. क्वालिटी अच्छी है, 200 रुपये के अकॉर्डिंग तो मैं इसे अभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब मार्केट में जाकर बाय करना इतना महंगा है. और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, नो डाउट इट्स गुड. इसमें बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे आप देख सकते हो. तो सो ये रहे ये वाले क्वेश्चन कवर. सो फिलहाल तो मैंने बस इतना ही बाय किया था क्योंकि मैंने जिस क्वालिटी को एनालाइज करना था कि लाइक मैं शॉपसी से क्वालिटी अच्छी मिलेगी भी या नहीं. सो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी रही, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है. सो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, तो मैं डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूँगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक दे रखे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो इनकेस अगर आपको परचेस करना हो. अगर आप मुझे रिकमेंडेशन भी देना चाहते हो कि मैं कुछ और बाय करूँ, सजेशन देना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे दे सकते हो. एंड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन मुझे भी आप इंस्टाग्राम पर DM कर दो, डेफिनेटली आई विल क्लियर आउट ऑल दैट डाउट ऑफ योर. सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच. Love you all. See you next time. Till then, stay smiling. Bye. Love you all. Again.